हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल डिजाइन विद चंद्रकांत। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में नकल जॉइंट को एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे किस तरह नकल जॉइंट वर्क करता है, किस तरह वो रोटेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं असेंबली पर क्लिक करके ओके कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास नकल जॉइंट्स का पार्ट्स बना हुआ है, जैसे फॉर्क एंड, आई एंड, कॉलर और नकल पिन, ये सब बना हुआ है। तो अब देखना चाहते हैं कि नकल जॉइंट्स को किस तरह बनाते हैं, उसके पार्ट को किस तरह बनाते हैं। तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि नकल जॉइंट को किस तरह बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में उसको असेंबल भी करेंगे और उसके एनिमेशन को भी देखेंगे कि वो किस तरह रोटेट करता है, किस तरह वर्क करता है। तो पहले मैं ब्राउज करेंगे, पहले बेयरिंग को, मैंने एक बेयरिंग ओपन कर लिया, फिर से इंसर्ट कर, मैंने एक बेयरिंग को इंसर्ट कर लिया, फिर से एक बेयरिंग को इंसर्ट करेंगे और इन दोनों को मेट कर देते हैं। यहाँ से टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस को शो करेंगे और इसके टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस और इस वाले को मेट कर देंगे और इस वाले को थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ से इंसर्ट कंपोनेंट से ब्राउज करेंगे, फिर से अब की बार फॉर्क एंड को इंसर्ट करेंगे, यह फॉर्क एंड, और इसे मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ और इस वाले को मैं मेट कर दूंगा और ये मैंने फॉर्क एंड को ओपन करा और इसे मैं मेट कर देता हूँ, इसके टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस और इसके टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस को। ओके, और यहाँ से जीरो कर देंगे इसके फेस को और इसके फेस को जीरो कर देंगे। ओके, और यहाँ से जीरो करने के बाद क्या करते हैं कि अब फिर से इंसर्ट करेंगे आई एंड को। अब की बार आई एंड को मैंने ओपन करा और इसे भी रोटेट कर देते हैं। ओके, मैंने इसे रोटेट करा और इसे मैंने यहाँ पे इसके टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस और इसके टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस को मैं मेट कर दिया मैंने और इसके फेस को भी जीरो कर देंगे यहाँ से, इसके साथ यहाँ से डिस्टेंस से जीरो करेंगे इस वाले फेस के साथ। ओके, ना मैंने जीरो कर दिया। अब इस वाले टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस और इस वाले टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस को भी मेट करेंगे। इसको देख सकते हैं, इसे नकल पिन को ओपन कर लेते हैं, ये मैंने नकल पिन को ओपन कर लिया और इसके भी टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस और टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस इस वाले को मैं मेट कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ पर टच मीन्स इसे यहाँ से जीरो कर दूंगा एक इस वाले फेस के साथ, इस पर मैं जीरो कर दिया मैंने इसको। एक चीज़ और चाहिए हमें, इंसर्ट ब्राउज करेंगे, कॉलर चाहिए तो इसे मैंने ओपन कर लिया और इसको भी टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस टू टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस मेट कर देंगे। इसका मैंने टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस कर दिया और इसे यहाँ से इस थोड़ा सा बस रोटेट करते हैं। ओके, और इसे भी मेट कर देंगे, इसके टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस और इसके टेम्प्रेरी सेंटर एक्सिस को। तो ये पूरी तरह असेंबल हो गया, ये असेंबल हो गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे टेपर पिन मैंने यूज नहीं कराया, आप यूज कर सकते हैं टेपर पिन को। यहाँ अपीयरेंस पे क्लिक करके मैं बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, मैंने तो इसे असेंबल कर लिया। अब क्या करेंगे कि आप इतना पे चाहे तो इसे अभी सेव भी कर सकते हैं, बट अभी हमें इसमें इतने पे आप चाहे तो इसे सेव भी कर सकते हैं, बट अभी हमें इस पर एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो
देखेंगे किस तरह वर्क करता है। तो उसके लिए मोशन स्टडी, यहाँ मॉडल में अभी आप यहाँ मोशन स्टडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ मोशन स्टडी पे क्लिक करने के बाद मोटर को सिलेक्ट करेंगे और किसी एक को, यहाँ मोटर स्टडी पे क्लिक करने के बाद किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे वो फोर्क एंड हो या आई एंड हो। सॉरी, यहाँ पे नहीं से क्लिक करेंगे, जैसे मैंने मोटर पे क्लिक करा और इस वाले को सिलेक्ट कर लिया, फोर्क एंड को। ओके, और इसका एक डायरेक्शन दे देंगे किस तरह से रोटेट होगा, और इसका रोटेशन स्पीड, जैसे ये कांस्टेंट स्पीड में इसको मैं 20 RPM कर देता हूँ। ओके, अब इसे कैलकुलेट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये रोटेट होने लगा। तो ये जो नकल ज्वाइंट है इसी तरह वर्क करता है। अगर मैं इसका स्पीड आपको बढ़ा करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं। ये रोटेट हो रहा है ये बेयरिंग के साथ, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो इसी तरह से नकल ज्वाइंट रोटेट होता है। तो इस वीडियो के लिए मैं इतने रहने देता हूँ, थैंक यू। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।